वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज मेरे पास एक बैंक्यू का प्रोजेक्टर आया है जिसमें प्रॉब्लम यह है कि ऑन हो रहा है पर इसके अंदर जो इमेज बन रही है वो इस तरीके से है कि जैसे बारिश की छींटे होती हैं वो हमारी स्क्रीन पे आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा प्रोजेक्टर तो ऑन हो रहा है और इमेज भी मेरी क्लियर है। मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा, देखेंगे मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो देखेंगे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और जब भी हमारे प्रोजेक्टर में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारा DMD होता है वो खराब हो जाता है। तो आप देखेंगे जब भी हमारे प्रोजेक्टर के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसमें DMD खराब होता है, यानी कि डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस होती है और बहुत छोटी सी होती है, उसको हमने रिप्लेस करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कुछ इस तरीके की होती है। तो आपको अगर प्रोजेक्टर से संबंधित कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप देखेंगे केवल इसके खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा एक प्रकार से इमेज डेवलपर भी होता है जो इमेज बनाता है और इसी की वजह से स्पॉट्स आ रहे हैं। तो आप जरा इसको अच्छे से देखें, मैं लाइट जला लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं। देखेंगे ये जैसे हमारे डेस्कटॉप में CPU होता है कुछ इस तरीके से दिखता है और ये मैं रिप्लेस करूंगा और आप वीडियो में बने रहें ताकि आप देखें इस तरह की प्रॉब्लम को हमने कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ प्रोजेक्टर को, देखेंगे आप इस तरीके से स्पॉट देखने को मिलते हैं हमें। और ये मैंने इसको शट डाउन मोड में रख दिया है, थोड़ा लॉन्ग प्रेस, ये पावर बटन ऑफ करने के लिए बोल रहा है, देखेंगे। और इसके बाद हम इसको खोलेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने सारे स्क्रू निकाल दिए हैं और अब मैं इसको ऊपर के टॉप को खोलूंगा तो वो देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ओपनर लेना है और ओपनर की मदद से इसको ओपन करना है। देखेंगे इसमें इंटरनल लॉक भी लगे हुए हैं, देखेंगे मेरा ऊपर का फ्रंट खुल गया है और कभी भी आपने इसको खींचना नहीं है, बस आपने देखना क्योंकि इसमें हो सकता है हमारी बेल्ट लगी हो सप्लाई वाली, तो अगर आप इसको खींच देंगे तो वो फट सकती है। देखेंगे ये खुलने के बाद देखेंगे इस तरीके से हमारा ऊपर का टॉप खुल गया है और यहाँ पे जो हमने DMD लगाना है वो इस लेंस यूनिट पे लगेगी। तो मुझे इस यूनिट को निकालना होगा, उसके लिए मुझे पूरा प्रोजेक्टर को डिसेंबल करना होगा। तो आप ध्यान से देखें और आप देखेंगे ये हमारा स्विच है जो लैंप को ऑन कराता है, अगर ये स्विच खराब हो जाएगा तो भी हमारा लैंप एरर आने वाला है। तो मैं इसको खोलता हूँ, आप देखें सबसे पहले जितने भी कनेक्टर हैं इनको आप डिस्कनेक्ट कर लें। देखेंगे यहाँ से मैंने सारे कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर लिया है और ये मैंने इसके स्क्रू को खोल लिया है और यहाँ से मैं अपना जो लैंप है इसको भी अलग कर लेता हूँ और ये थोड़ा सा हीट है इस समय। देखेंगे मैंने लैंप को निकाल लिया है, केयरफुली ध्यान से आप रख लें इसको। और इसके बाद हमने जो खोलना है इस लेंस यूनिट को खोलना है, लेकिन इसके लिए मुझे पूरे प्रोजेक्टर को खोलना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे लॉक होता है, इसको खोल लेते हैं। देखें कार्ड मेरा यहाँ से निकल गया है, अभी कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके लिए मुझे इसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए ये सारे स्क्रू मैं खोलूँगा। यहाँ पे जो हमारे स्क्रू है VGA पोर्ट पे वो हम खोल लेते हैं। इसके बाद हमारा जो लॉजिक कार्ड है वो बाहर निकल जाएगा। हाँ तो आप देखेंगे यहाँ से हमने सारे स्क्रूज के खोल लिए हैं।
तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सारे स्क्रू खोल लिए हैं और जो ये वाला पार्टीशन है इसको अलग कर लेते हैं, और उसके बाद मेरा जो लॉजिक कार्ड है सबसे पहले मैं इसको अलग कर लेता हूँ, क्योंकि तो मेरा जो काम होने वाला है जो आगे लेंस यूनिट है वहाँ पे है, तो यहाँ से मैं स्क्रू खोल लेता हूँ ये वाले भी। और हमेशा जब भी आप डिसम्बलिंग करें तो आपको पैक करने का आइडिया ज़रूर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ भूल जाएँ और आपसे पैक ना हो। तो जब आप लगे रहेंगे इस फील्ड में तो आपको बहुत ईजी होने लगेगा आपके लिए सारे काम। देखिए यहाँ से जो ऊपर की शील्ड है इसे भी हम अलग कर लेंगे। और देखते हैं कि क्या ये मेरी अलग हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे दो कलर व्हील का एक बेल्ट है, देखेंगे ये मैंने निकाल लिया। और यहाँ से इसको खुलने के बाद मेरा ऊपर का भी सील खुल जाएगा, देखिए यहाँ कहीं पे लग रहा है, ये देखेंगे यहाँ डस्टिंग भी है। और मुझे जो काम है अपने इस लेंस यूनिट को निकालना है, तो इसको रिलीज करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे एक एक बकेट है खाली, देखेंगे यहाँ पे ये लगा है, इसको भी मैंने खोल लिया है। और तो आप देखेंगे यहाँ से मेरा ये खुल गया है और इसको हम खोल लेते हैं। देखिए ये मेरा यहाँ से खुल गया है और जो DMD है वो मेरा इसके अंदर लगेगा, तो अब हम इसको भी खोल लेते हैं। और जैसे हम अपने डेस्कटॉप मदरबोर्ड में या लैपटॉप मदरबोर्ड में CPU को चेंज करते हैं, सेम उसी तरीके से होने वाला है ये। और आप थोड़ा सा इसको आराम से खोलें, देखिए हमने चारों स्क्रू इसके खोल लिए हैं। और देखेंगे हीट सिंक का काम करता है और जो हमारा DMD लगा हुआ है वो ये रहा। और आप देखेंगे ध्यान से जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे स्पॉट्स हैं जो हमारे डिस्प्ले पे आ रहे हैं, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखेंगे देखेंगे यहाँ पे आपको स्पॉट्स से भी नज़र आ रहे होंगे, देख रहे हैं। दिख रहा है, तो आप देखेंगे यही जो स्पॉट्स है हमारे डिस्प्ले में सामने आ रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। और जैसे ही चेंज करेंगे हमारी प्रॉब्लम ओके हो जाएगी। और देखेंगे यहाँ पे जैसे हम CPU सॉकेट से इसको निकालते हैं, सेम इसी तरीके से इसको हमने रिप्लेस करना है। देखेंगे ये मेरा निकल गया है और यहाँ पे मैं नया वाला लगा लेता हूँ, जो इसके साथ देखेंगे एक थर्मल टेप भी आया है, इसको भी हमने लगाना है इसके बैक हैंड पे। और लगाने के लिए देखेंगे आराम से आपने लगाना है इसके गाइड पॉइंट को देख के, देखेंगे ये मैंने लगा दिया है और इसको हमने कसना है। बस इतनी सी प्रॉब्लम थी इसके अंदर। और अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोरियर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस थर्मल टेप को लगा देता हूँ और दोनों तरफ इसमें टेप है वो निकाल देंगे, देखेंगे ये। और ये इसके अंदर आपने इस तरीके से डाल देना है, और इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा ये हीट सिंक है इसको इस तरीके से प्लग करना है। और थोड़ा सा आप पैक करते समय इसको क्लीन कर दें कपड़े से। तो देखिए अब मैं इसको पैक कर देता हूँ और देखेंगे ये है। और स्क्रू आपने पूरे जोर से टाइट नहीं करने हैं, हल्के हाथ से टाइट करने हैं।
और इसके बाद स्क्रू जो है आप हमेशा क्रॉस में कसें। वो कस लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे एक बार। देखिए हमारा लग गया है, थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट को देखते हैं कि क्या वो एडजस्टमेंट प्रॉपर है। बिल्कुल, अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। और आपने पूरी तरीके से इसको टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से टाइट करना है, नहीं तो आपका जो DMD है वो सॉकेट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ये लग गया है और अब हम इसको फिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारा फैन था, देखिए यहाँ पे इसको हम लगा लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये लगा लिया है और इसके बाद मैं एक बार इसकी टेस्टिंग लूँगा पहले। और इसको हम लगा लेते हैं, यहाँ पे फैन था हमारा, फैन को भी लगा लेते हैं। और ये हमारा ये लगा है, देखेंगे ये लग गया है। और उसके बाद हम ऊपर की जो है इसको लगा लेते हैं और पूरा चेक करने के बाद फिर मैं इसको दोबारा से फिक्स करूँगा। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मेरी प्रॉब्लम ओके हुई। देखेंगे ये हमारा फिक्स हो गया और जितनी भी हमारी ये वायर थी इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लगा दिया है और अब मैं अपने लॉजिक कार्ड को लगा देता हूँ। और लॉजिक कार्ड को एक तो ये हो गया हमारा, पहले इसको इसके फिटिंग में बैठाना होगा हमें। सबसे पहले यहाँ पे जो पिने हैं इनको हमने अच्छे से फिक्स करनी है, क्योंकि अगर एक भी पिन सही से नहीं लगेगी तो हमारा कनेक्टर काम नहीं करेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कार्ड हमारा लग गया है, यहाँ से हमने दबा देना है। और इसके बाद जितने भी इसके कनेक्टर हैं उनको दोबारा से हम लगा लेते हैं। देखेंगे ये हमारा लग गया है, ये भी लग गया है। देखो ये भी लग गया है, ये लग गया है। और आप देखेंगे जो हमारा ये वाला है कलर व्हील का, इसको भी हम लगा लेते हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं किस तरीके से लगाता है, ऊपर की तरफ। देखेंगे ये लग गया है। और देखिए हमारा सेंसर का, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और देखेंगे जब हम अपने लेंस को लगाते हैं तो यहाँ पे हमें स्क्रू कस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारी अर्थिंग जाती है। और इसके बाद मैं एक स्क्रू इसमें कस लेता हूँ। और अब मैं इसमें जब पावर प्लग करूँगा उससे पहले मैं इसको प्रेस करूँगा और ये देखूँगा कि क्या मेरी प्रॉब्लम ओके हुई। तो देखेंगे यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ, जो मेरा लैंप का स्विच है इसे प्रेस कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं पावर कनेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा नॉर्मल इसमें AC इन हो गया है। और इसके बाद मैं इसको ऑन करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे मैंने पावर बटन को प्रेस कर दिया। आप देखते हैं कि क्या मेरा प्रॉब्लम ओके हुआ, मेरा लैंप ऑन हो गया है। मैं यहाँ लाइट बंद कर लेता हूँ, देखेंगे मेरा जो इमेज है वो क्लियर हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ, देखेंगे बिल्कुल, देखेंगे आप देखें कितने इजी वे में हमने प्रॉब्लम को ओके कर दिया। कोई भी स्पॉट नहीं आ रहा है, क्लियर चित्र है हमारा। और अभी मैं इसको आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग करता हूँ। और ये देखेंगे अभी थोड़ा सा और ब्राइटनेस आएगा इसका जैसे लैंप हीट होगा।
तो आप देखेंगे मेरा जो प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम थी इसमें स्पॉट्स आ रहे थे बहुत सारे, केवल डीएमडी चेंज करने से हमारा ये प्रॉब्लम ओके हो गया है। तो अगर आपका भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो आप हमारे पास भेज सकते हैं और हम उसको कोशिश करेंगे आपके लिए 100% रिपेयर करने के लिए। आप देखेंगे इमेज बिल्कुल क्लियर हो गई है और केवल हमने इसमें ये डीएमडी चेंज किया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्पॉट भी देखने को मिलेगा, देखेंगे यहाँ पे जो इमेज बन रही थी वही सेम इसमें भी प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको पैक कर लेंगे और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। बिगनर स्टूडेंट के लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है और पूरा वीडियो देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।